बनाकर चलिए। और अब टारगेट्स लगातार यहाँ पर जैसे जैसे ये लेवल्स अपने ऊपरी स्तरों के छूता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो टारगेट है वो भी हम रिवाइज करते हुए दिख रहे हैं। जो अपना स्टॉप लॉस है या फिर आप कह सकते हैं लोअर साइड है, उसको भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो 3600 रुपये के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में अब आपको खरीदारी कर चलनी है। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है अगर आप यूनिट वॉल्यूम्स जो सेल करते हैं उसके हिसाब से देखें तो। और कहीं ना कहीं जिस तरह के नए लॉन्चेज खासकर प्रीमियम साइड पर जो आते हुए दिख रहे हैं वो एक बड़ा थ्रेट ओवरऑल बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए बनता हुआ दिखेगा। जिस तरह से 3 जुलाई को कंपनी ने जो हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर 440 जो बाइक है उसको ये लॉन्च करते हुए दिखे थे, वो कहीं ना कहीं इनके लिए आगे चलकर बड़ा पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट जो मार्केट शेयर है 250 cc प्लस की बाइक्स में, यहाँ पर ये बड़ा डेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। CLSA की भी यहाँ पर अपडेट आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट बिकवाली की राय थी पहले, तो अब उन्होंने अपना स्टांस हटा दिया है और उसको अपग्रेड कर अब वो रिड्यूस की रेटिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिकवाली ना करें। और टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली रेस किए हैं, 2708 रुपये से बढ़ाकर अब 3142 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का जो नेगेटिव व्यू था वो अब बदलता हुआ दिख रहा है। टारगेट्स भी रिवाइज अपसाइड पर हो रहे हैं और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी बढ़ना चाहिए। तो 3600 रुपये के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में आप अगले 12 महीनों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिए।